हे एवरीवन, इस सेशन में हम सीखेंगे बेसिक शेप्स एंड आर्ट ब्रश टूल की हेल्प से रीथ वेक्टर डिजाइन बनाना। तो चलिए सीखते हैं। शुरुआत करेंगे हम एक बेसिक शेप सर्कल से। कुछ इस तरह से फ्री हैंड हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी एक कॉपी बनाते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद हम इसे कर देंगे इंटरसेक्ट, जिससे हमें कुछ इस तरह का शेप मिल जाएगा। इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। अब इस दूसरे शेप को शिफ्ट की हेल्प से रोटेट करेंगे और इसकी भी एक कॉपी बना लेंगे। दोनों को एक साथ ग्रुप कर देते हैं, थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, पोजीशन करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट मेन्यू में और चूज करेंगे ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, जिसमें वर्टिकल वैल्यू हम डिफाइन करते हैं -28 पिक्सल, नंबर ऑफ कॉपीज हम ऐड कर देते हैं 15, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल हम डिफाइन कर देते हैं 96%। तो जिससे हमें कुछ इस तरह से इफेक्ट मिल जाएगा। अब इस कॉपी किए हुए शेप को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और प्लेस कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें वेट डिफाइन कर देते हैं 5 पॉइंट। प्रोफाइल हम इस वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट करके रखेंगे और इसे भी पोजीशन कर देते हैं अपने पूरे ऑब्जेक्ट के बीचों बीच कुछ इस तरह से। नीचे से भी थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। इसके बाद सारे शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं आर्ट ब्रश में। डायरेक्शन के लिए इसके थर्ड ऑप्शन को हम सेलेक्ट करके रखेंगे, जिससे हमारा ये डिजाइन ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम ड्रॉ करते हैं एक एलिप्स। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं, जिससे हमें ये आर्क मिलेगा और इस आर्क में हम अप्लाई कर देते हैं अपने बनाए हुए ब्रश को। तो कुछ इस तरह से हमारा ब्रश पाथ में प्रॉपरली सेट हो जाएगा। इसकी एक कॉपी बना देते हैं और इसे प्रॉपर्टी पैनल में जाके कर देते हैं रिफ्लेक्ट। तो कुछ इस तरह से हम इस रीथ वेक्टर डिजाइन को बना सकते हैं। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी तरह से सीखते रहिए।